नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिया किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल और मैं घनश्याम चौरसिया आज आपके लिए सेव टमाटर की एक बेहतरीन रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, हमारे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहना ताकि जो कुछ भी नई जानकारी हम आपको बताएं आप अपनी रेसिपी में उनका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रेसिपी बनाने की। हमने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें हम 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हम इसमें राई डाल देंगे और इसके पश्चात कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो 1 बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्च, 1 जावित्री का टुकड़ा हमने डाल दिया और साथ में 1 तेज़पान भी डाल दिया है। अब हम इसे ज़रा चला लेते हैं और इसके पश्चात इसमें हम डालेंगे प्याज। तो दोस्तों, मैंने इसमें 1 प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे एकदम बारीक मैंने काट के रख लिया था, एकदम फाइनली चॉप किया है और इसे आप थोड़ी देर भूनिएगा। और इसके पश्चात दोस्तों इसमें हमें डालना है हींग। इसे हींग मुझे पहले डालना था लेकिन मैं डाल नहीं पाया तो अब डाल देता हूँ। और अब इसे थोड़ी देर और चला लीजिए, 1/2 मिनट। इसके पश्चात आपको इसमें डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों, मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल किया है और इसे हम अच्छे से भुनेंगे प्याज के साथ में जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 लाल मिर्च और ये 2 हरी मिर्च हमने बारीक टुकड़ों में काट के डाली है। दोस्तों, आप लाल मिर्च डालना चाहें तो डालें, अन्यथा स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम भूनते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक का। तो दोस्तों, ये 4-5 मिनट एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने डाला है जो ज़्यादा तीखा नहीं होता है। हम 1 चम्मच का इस्तेमाल करें क्योंकि हमने 2 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च पहले ही डाल दिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और हमारा ये सब्ज़ी का कलर ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इसे मीडियम फ्लेम पे भूनते रहना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो देखिए दोस्तों, ये तो 3-4 मिनट हो गए हैं इस तरीके से मैं मसाला भून रहा हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो दोस्तों, मैं इसमें 2 टमाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्हें एकदम बारीक काट के मैंने रख लिया था और इसे भी अच्छे से आपको भूनना है, एकदम गल जाए तब तक इन्हें भूनना है। और अब हम थोड़ा सा नमक को डाल देते हैं। तो नमक डालने से टमाटर हमारे बहुत जल्दी गल जाएंगे। और ये देखिए, और लगभग आपको 4 से 5 मिनट का समय लग सकता है और आपकी फ्लेम पे डिपेंड करता है कैसे आप पका रहे हैं। तो चलिए मैं इसे ढक कर के पकाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है मसालों के ऊपर, टमाटर के ऊपर। हमारे टमाटर लगभग अच्छे से गल चुके हैं। तो अब चलिए इसमें हम डालना है हमको दही। तो दोस्तों, मैंने पहले भी एक सेव टमाटर की रेसिपी डाल चुका हूँ और उसमें मैंने दूध सेव वाली रेसिपी डाली थी और आज मैं ये दही वाली बना रहा हूँ। तो दही फटे नहीं इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लिया है और अब मैं इस दही को इसके अंदर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, उस वीडियो में कई लोगों के कमेंट आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई हमने जैसे दूध डाला तो ये दूध फट गया। तो दोस्तों, उसका एक सीधा सा उपाय है कि आप कच्चा दूध ना डालें और एकदम दूध थोड़ा गर्म करके डालें और जब तक आप इसमें ये टमाटर एकदम अच्छे से गल नहीं जाते तब तक आपको दूध नहीं डालना है और न दही डालना है। दही डाल के बनाओ या दूध डाल के। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला भी अभी तक हमने नहीं डाला था, तो लीजिए हमने गरम मसाला भी डाल दिया। और साथ में अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे हमने भून के थोड़ा क्रश कर लिया है और इसमें हमने इसे मिक्स कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये मसाला तो हमारा एकदम भून कर एकदम तैयार हो चुका है बहुत अच्छे से। और इस पर आपका जो ऑयल नज़र आ ही रहा होगा। और अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। तो पानी हम हमारी आवश्यकता के हिसाब से डालेंगे। वैसे भी जैसे हम सेव की सब्ज़ी बनाते हैं तो सेव पानी को सोख लेती है और सब्ज़ी थोड़ी ठीक हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको पानी डालना है। तो मैं थोड़ा पानी और डाल लेता हूं। तो लीजिए दोस्तों, अभी हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है
और अब हम इसे एक उबाल आने तक के लिए अभी हम इसे पकाएंगे। तो चलिए इसे हम ढकते हैं और ये देखिए एक उबाल आ चुका है। और अब हम दोस्तों इसमें हमें डालना है सेव। तो दोस्तों सेव आप मोटी वाले सेव का इस्तेमाल करें, जो लॉन्ग सेव होती है मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो थोड़ी तीखी होती है। तो लीजिए दोस्तों मैंने ये डाल दिए सेव इसके अंदर और अब हम इसे एक मिनट और इस तरह से ढक करके पकाएंगे। और लीजिए दोस्तों ये सब्जी बनकर तैयार हो गई। लेकिन अभी एक खास धनिया इसमें डालना ज़रूरी है और दोस्तों ये हमने धनिया इसे डाल दिया है और गैस को अब हम करेंगे बंद और 5 मिनट तक इसे ठंडे होने देंगे, इसके बाद फिर हम इसे सर्व करके बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों 5 मिनट के बाद अब हम इसे आपको सर्विंग बाउल में डाल देते हैं प्लेट में। तो ये देखिए दोस्तों कितनी शानदार अब दिख रही है सब्ज़ी और उतनी ही टेस्टी भी ये बनेगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करना और दोस्तों में शेयर भी करना। धन्यवाद।